और इस वक्त की बड़ी खबर जो किन्नौर से आ रही है, किन्नौर हादसे से जुड़ी। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। आईटीबीपी के जवानों ने फिलहाल बस का मलबा निकाल लिया है सड़क से। नीचे करीब 500 मीटर गहरी खाई में बस का मलबा मिला है। वहीं रेस्क्यू टीम ने आज एक और शव बरामद किया है, तो अब तक मरने वालों की कुल संख्या 13 हो गई है। 3 और शव बरामद किए गए हैं। रेस्क्यू टीम को बस का मलबा भी मिल गया है। लगातार आईटीबीपी के जवान वहां पर तैनात हैं। रास्ता फिलहाल खाली करवाया गया, लेकिन सड़क से 500 मीटर नीचे खाई में ये बस मिली है। दो तस्वीरें देखिए, कल जिस वक्त वहां पर रेगुलर आवाजाही थी, तो उसी वक्त ऊपर से पहाड़ किस तरीके से टूटा और जिसकी चपेट में बस, सुमो गाड़ी, टैक्सी आ गए, और उसके बाद से बस के बारे में कुछ अता पता नहीं चल पा रहा था। ये बस की तस्वीर और हालत हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहाड़ जब इस बस पर गिरा होगा तो क्या हालात रहे होंगे। अगले साल के विधानसभा चुनाव का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी दलों का घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। पश्चिमी यूपी में जाट किसकी खाट खड़ी करेगा, ये आपको दिखाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक लामबंदी शुरू हो गई है। एक तरफ टीम योगी है तो दूसरी तरफ बीजेपी विरोधी मोर्चा उलटफेर करने को तैयार है। बीजेपी ने मिशन पश्चिम यूपी का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। बीजेपी अपना दाव लगाएगी। हमारे साथ एक तो हम जातिवादी राजनीति नहीं करते, मैंने पहले बता दिया है, परिवार मेरा है नहीं, इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि बीजेपी है तो पश्चिम में भी, पूरब में भी, मध्य में भी और बुंदेलखंड में भी सुरक्षा है। आखिर यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश था ना, रोज दंगे होते थे, कभी कोसी कला का, कभी बरेली का, कभी मुरादाबाद का, कभी अलीगढ़ का, कभी सहारनपुर का, कभी मुजफ्फरनगर का। जो लोग किसान आंदोलन को जाति के साथ जोड़ रहे हैं, मुजफ्फरनगर में शहीद हुए उन नौजवानों के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं क्या, जिनकी निर्मम हत्या हुई थी और उस समय सत्ता प्रतिष्ठान में कौन लोग बैठे हुए थे? क्या मंत्री ने दंगाइयों को बचाया नहीं था उस सरकार का? पश्चिमी यूपी में जाटों के समर्थन से 2017 और 2019 में प्रचंड जीत हासिल करने वाली बीजेपी की राह में कांटे ही कांटे हैं। वजह पश्चिमी यूपी के किसानों की नाराजगी है जो जाट समुदाय से आते हैं। आज सबसे बड़ी चुनौती किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत दे रहे हैं। वही टिकैत जो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी हटाओ का नारा बुलंद कर रहे हैं। राकेश टिकैत आ गए हैं लखनऊ और कह रहे हैं कि लखनऊ को मैं दिल्ली बना दूंगा। क्या दिक्कत आ रही है? प्रमोशन कर देंगे कह रहे हैं लखनऊ। प्रदेश की राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी है, हमें दिल्ली और लखनऊ में अंतर महसूस करना होगा। यहाँ पर बैठेंगे वो आंदोलन के। मैं वही कह रहा हूँ ना, प्रदेश की राजधानी है ना। आपकी पार्टी तो फोटो ट्वीट कर रही है कि जरा बच के आइयो। हम तो सबको सहयोग करना चाहते हैं, सबका स्वागत करना चाहते हैं। आप राकेश टिकैत का स्वागत करेंगे? क्यों नहीं स्वागत करेंगे, बातचीत ही करा दीजिए सर फिर सरकार। किसान आएगा, किसान का स्वागत होगा, कानून के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो उस तरीके से भी स्वागत होगा। क्या बात है, समस्या नहीं। यही अंतर बता रहे हैं आप, दिल्ली और लखनऊ का अंतर यही। मैंने है क्या कहा ना, दिल्ली है ये लखनऊ है। हाँ। तो मुझे लगता है इतना अंतर वाला तो स्वागत कैसे होता है योगी जी? मैंने कहा ना कि ये अंतर उन सबको भी मालूम होगा जो कहते हैं कि हम लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, तो उनको ये अंतर मालूम होगा कि ये प्रदेश की राजधानी है, ये देश की राजधानी नहीं है, और प्रदेश की राजधानी में किस प्रकार का चाल चलन होना चाहिए ये भी उनको जानकारी होनी चाहिए। चुनाव अभी दूर है, लेकिन वार पलटवार का सियासी खेल शुरू हो गया। ऑल इंडिया मिशन पर काम कर रहे टिकैत ने अपने अंदाज में योगी को जवाब दिया। सबको प्रमोशन चाह रहा तो लखनऊ को दिल्ली क्यों नहीं बनना देना चाहते? योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बना था, क्या प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ देंगे? उनका नाम चल रहा तो उसको उस भाषा में समझ लें कि लखनऊ दिल्ली कैसे बनती है। समझा दो कैसे समझे, उन्हें पता है सबको लखनऊ दिल्ली कैसे बनती है, सब पता है। बीजेपी को भी पता है कि 2022 में जाट नाराज हुए तो सियासी नुकसान बड़ा होगा। दरअसल पश्चिमी यूपी में 136 विधानसभा सीटें और 27 लोकसभा सीटें हैं, जहां जीत की चाबी
जाट के हाथों में है। इसे आप चुनावी नतीजों के आंकड़ों से समझिए। कुल विधानसभा सीटें 136। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 58 सीटें जीती, बीएसपी 39 सीटें, बीजेपी सिर्फ 20 सीटें, जबकि आरएलडी 9 और कांग्रेस 8 सीट जीती थी। वहीं 2017 में पश्चिमी यूपी में बीजेपी को एक तरफा जीत मिली। पार्टी ने 103 सीटें जीती, एसपी 27 पर अटक गई, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में सिर्फ 6 सीटें आई। अगर आप लोकसभा को देखें तो यहां 27 सीटें हैं, जिसमें 2014 में बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें और 2019 में बीएसपी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने मिलकर चुनाव लड़ा। बीजेपी 20 सीटें जीती, जबकि गठबंधन सिर्फ 7 सीटें। बीजेपी के पास अपना प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है, तो वहीं विपक्ष किसान आंदोलन के बहाने जाट मुस्लिम एकता के लिए कोशिश कर रहा है। पश्चिमी यूपी की 136 विधानसभा सीटों में 55 सीटें ऐसी हैं, जिनमें जाट मुस्लिम आबादी 40% है या इससे ज्यादा बैठती है। अगर किसानों की नाराजगी दिखी तो जाट बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। तीनों नए कृषि कानून को लेकर पश्चिमी यूपी में राकेश टिकैत ने दर्जनों पंचायतें की हैं। गाजीपुर बॉर्डर में किसान डेरा डाले बैठे हुए हैं, उस भीड़ में सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी से हैं। लेकिन योगी का दावा है कि विकास के नाम पर वोट पड़ेगा। 30 वर्षों से मांग हो रही थी कि इस चीनी मिल का आधुनिकीकरण होना चाहिए, यहां पे नया प्लांट लगना चाहिए, कोई नहीं कर पाया। तब लोक दल भी सत्ता में आया, सत्ता में था एक पार्टी के साथ में। समाजवादी पार्टी के लोग चार चार बार सत्ता में रहे हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी रही है, उससे पहले कांग्रेस भी थी, कोई नहीं कर पाया। 1980 से मांग हो रही थी, 1980 से लेकर के 89 तक कांग्रेस प्रदेश की सत्ता में थी, देश की भी सत्ता में थी, नहीं कर पाई। हमारी सरकार ने उस चीनी मिल का न केवल पुनरुद्धार किया, उसकी क्षमता को दुगना करके रमाला में चीनी मिल को हम संचालन कर रहे हैं और बंद चीनी मिलों को हम संचालन कर रहे हैं। किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये आजादी के तत्काल बाद प्रारंभ हो सकता था, क्यों नहीं कर पाए लोग? क्योंकि किसान उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। किसान उन्नति करे उनका ये वही नहीं था, एजेंडा ही नहीं था। पश्चिमी यूपी की राजनीतिक अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से योगी लगातार दौरा करते आए हैं और अब बीजेपी ने किसानों की नाराजगी दूर करने का प्लान तैयार कर लिया है। 22 अगस्त से 25 अगस्त के बीच पश्चिमी यूपी में किसान पंचायत करेंगे। 16 अगस्त से 23 अगस्त तक किसान मोर्चा किसानों से संवाद करेगा। पश्चिमी यूपी के गांव-गांव जाकर बीजेपी अपने काम गिनवाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी किसान चौपाल का आयोजन करेगी। 2022 का विधानसभा चुनाव करीब आते ही पश्चिमी यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक्टिव है। सवाल यही है कि पश्चिमी यूपी का जाट इस बार क्या करेगा। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ आज तक। बड़ी खबर किन्नौर हादसे से जुड़ी, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी आईटीबीपी ने बस का मलबा निकाल लिया है। सड़क के नीचे करीब 500 मीटर गहरी खाई में बस का मलबा मिला है। वहीं रेस्क्यू टीम ने एक और शव बरामद किया है और अब तक मरने वालों की कुल संख्या 13 हो गई है। लगातार सर्च ऑपरेशन अभी भी वहां पर जारी है। बस के बारे में पता चल चुका है, 500 मीटर नीचे गहरी खाई में बस का मलबा मिला है और बस की हालत भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, इन तस्वीरों में अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस कदर भयानक यह हादसा, और अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। किन्नौर हरिद्वार हाईवे पर बस ट्रक समेत 6 गाड़ियां चट्टानों की चपेट में आई और इस वक्त जो खबर मिल पा रही है, आईटीबीपी एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। मरने वालों की संख्या 13 हो गई है। आपको बता दें कि बस में ही 50 से ज्यादा यात्री सवार थे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, बस का मलबा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर, जब बस उस रास्ते से गुजर रही थी और ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानें बस पर गिरी तो हालत क्या रही होगी। फिलहाल आपको बता दें कि मलबे में अभी भी कई जिंदगियां फंसी हैं, लगातार राहत और बचाव का काम चल रहा है। शिमला के नॉर्थ नेशनल हाईवे नंबर 5 यूरी रोड निगोसारी और चौरा के बीच में अचानक पहाड़ दरक गया, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। खबर जो मिल पा रही है ये कि 50 से ज्यादा यात्री अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं। 13 के शव निकाले जा चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ, आईटीबीपी के जवानों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। रात होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था, लेकिन सुबह होते ही, दिन चढ़ते ही फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसके बाद खबर जो मिल पाई है ये कि बस जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था,
को सिग्नल दे देते हैं कि वो अपना सेफ पोजीशन ले लें और ये ऑपरेशन कंटिन्यू है। देखते हैं अभी एज सच कोई जो जीवित होने वाले संकेत तो हमें मिल नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ जितना भी हमारा सर्च ऑपरेशन हमारा जो रेमिनेंट्स हैं और जो बॉडीज हैं वो हमें मिले, हम देख रहे हैं। तो अभी तक वहां पर क्या पाया है, क्या क्या चीज? अभी तक जो अभी जो मुझे अभी खबर मिला है उसके अनुसार वहां पर एक जो बस है उसका चेसी टाइप में उसका टायर एक जगह और उसके कुछ रेमिनेंट्स मतलब वो शैटर्ड होके जगह जगह गिरी हुई है। हम प्रोबेबली यही मान रहे हैं कि जो मलबा गिरा था और जो बोल्डर्स गिरे थे लगातार उसके चपेट में बस आ चुकी है। एक बॉडी हमने अभी तक रिकवर किया है, तो ये काफी बड़ा टास्क है क्योंकि बोल्डर्स कंटिन्यू है और ऊपर आप देख सकते हैं अभी लगातार छोटा छोटा स्लाइड बड़े बोल्डर्स भी गिरने की। चलेंगे सीधा सतीन चौहान मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी मोखय वारदात से। इस वक्त सतीन हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि रात भर ऑपरेशन रुका था, अभी के ताजा हालात ताजा तस्वीर अभी वहां की क्या है बताइए। देखिए नवजोत, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं और यहां पर दरअसल हुआ क्या है। देखिए अगर कैमरे को मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं तो वो जो स्पॉट है जहां पर एनडीआरएफ के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वहां पर जो है बचाव और राहत का कार्य जारी है और ये कहा जा रहा है कि इस रास्ते को कहीं ना कहीं खोल लिया गया है, लेकिन अभी भी यहां से दूसरी तरफ जाया नहीं जा रहा है। और इसके नीचे अगर कैमरे को थोड़ा पैन करता हूं तो इसके नीचे 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर नीचे आपको सतलुज नदी उफान पर दिखाई दे रही है और अभी तक 12 डेड बॉडीज को यहां से निकाला गया है, 14 लोगों को बचाया गया है और जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि 40 से 60 लोग इस पूरे इसमें आपदा में फंसे हो सकते हैं, तो यहाँ की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो सामने ये जो मौका वारदात मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रेस्क्यू के साथ साथ अब इस ऑपरेशन को हम सर्च ऑपरेशन भी कह सकते हैं क्योंकि एक पूरी बस थी जो उस लैंडस्लाइड के नीचे थी और बस गिर के नीचे गई है। जैसे कि अभी एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जो अधिकारी बता रहे थे जो यहां पर लगे हुए हैं कि उन्हें बस के परखच्चे मिले हैं और जो पीछे से जहां से ये बस आई थी बस अड्डे से जहां से चली थी वहां से इसमें ये कहा गया था कि 21 टिकटें इस बस के अंदर कटी थी। और ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पर खड़ा होकर मैं देख पा रहा हूँ तो इनको बयां कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये जो खाई है ये आधा किलोमीटर से नीचे बहती हुई जी सतलुज नदी अगर आप, तक जाती अगर आप इस तस्वीर को थोड़ा और एक्सप्लेन करें क्योंकि देखिए जब बस कल इस मलबे की चपेट में आई, पहाड़ी की चपेट में आई, पर खच्चे उड़ गए और जो तस्वीरें हमारे तक पहुंची है वो ये कि शैटर्ड हो चुकी है, टायर कहीं है, बस का मलबा कहीं, और ऐसे में यात्री जो अंदर मौजूद होंगे उनकी हालत क्या होगी समझा जा सकता है, कुछ आता पता नहीं था और सुबह कहीं जाकर पता चला जैसा आप भी बता रहे। जरा हमें बयां कीजिए वहां की एग्जैक्ट तस्वीरें क्या है, बस के परखचे और अभी फिलहाल क्या खबर मिल पा रही है, कितने और लोग वहां दबे हो सकते हैं। देखिए नवजोत, जैसा मैंने पहले बताया था कि अब तक ये जो है राहत का ऑपरेशन था लेकिन अब ये सर्च में भी तब्दील हो गया है। तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं दरअसल ये तस्वीरें जिस जगह पर हम खड़े हैं यहां पर खड़े होकर ये तस्वीरें दिखा पाना भी बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि ये बहुत ही गहरी खाई है और ये नेशनल हाईवे 5 है। अगर मैं कैमरे को फिर से हाईवे की तरफ ले जाता हूं जहां पर एनडीआरएफ के टीम आपको दिखाई दे रही है, वहां से जो हाईवे के साथ रेलिंग लगी हुई होती है वो पूरी की पूरी रेलिंग जैसे पानी में मलबा बह जाता है उस तरीके से लटकी हुई नजर आ रही है और ये पूरा जो है मलबा नीचे सतलुज नदी तक पहुंच गया है। अभी जो आईटीबीपी के अधिकारी बता रहे थे कि उन्हें बस के परखच्चे मिले हैं तो यहां पर जहां पर मैं खड़ा हूं यहां से भी अगर मैं देखने की कोशिश करूं क्योंकि कैमरा थोड़ा पीछे है तो बिल्कुल नीचे अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है जहां पर आईटीबीपी एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, कैमरे से शायद मैं यहां पर नहीं दिखा पा रहा हूं कि बिल्कुल नीचे गहरी खाई में जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है लेकिन उस खाई से और जो ये नेशनल हाईवे है इसकी दूरी तकरीबन आधा किलोमीटर से ज्यादा है और इसके बीच में कोई भी स्पॉट ऐसा नहीं है जहां पर आप किसी भी तरीके से खड़े हो सके बैठ पाए। और यहां पर अभी भी देखिए एम्बुलेंस लगातार जारी है और यहां पर हिमाचल प्रदेश
पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं हिमाचल पुलिस के और हिमाचल प्रशासन, जैसा कि कल जयराम ठाकुर जो कि हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं उनसे बात हुई थी, वो लगातार पल पल की जानकारी यहाँ पर ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर हालात जो है अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। तकरीबन ऑपरेशन को चले हुए 8 से 10 घंटे का वक्त हो गया है और इन 8 से 10 घंटों में 14 जिंदगियां अभी तक बचाई गई हैं, 12 लोग कहीं ना कहीं इस काल के प्रकोप में समा गए हैं। और अभी भी जो है यहाँ पर ये देखिए जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर दौड़ धूप हो रही है, आईटीबीपी के जवान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें दिखाई दे रही हैं। से मेरे सहयोगी लगातार अभी का सुबह की तस्वीरें लगातार और वहां का हाल क्या है, किस तरीके से ये ऑपरेशन चल रहा है, लाइव तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे थे। बताएं कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में चट्टानों की गरज और पहाड़ों के टूटने में मौत का शोर और तेज होता जा रहा है। एक दिन पहले चट्टानों की चपेट में आकर कई गाड़ियां मलबे में समा गई और मरने वालों का आंकड़ा आज सुबह तक 13 तक पहुंच गया। कुछ लोग अभी भी मलबे में फंसे हो सकते हैं और उन्हें निकालने का काम लगातार जारी है। खाई काफी गहरी है और बचाव ऑपरेशन बेहद मुश्किल। बस को बच गया, ओ पत्थर और देखो। चट्टानें ऐसे चकनाचूर हुई कि देखने वाले दहशत से भर गए। वो देखो अभी और कट नहीं रहा है ये, है ना? पहाड़ ऐसे ढहा जैसे ढहता है कोई रेत का टीला। धरती ऐसी सरकी कि जमींदोज हो गए पहाड़। तो कुदरत ने एक बार फिर अपना क्रोध दिखाया है, ऐसा क्रोध जिसके जद में 40 से ज्यादा जिंदगियां आ गई। ये पूरा इलाका 50 से 60 डिग्री का स्लोप है नीचे नदी की तरफ, बिल्कुल साफ मौसम था, ऐसी कोई अंदेशा नहीं था। और 6 से 7 गाड़ियां जो मूव कर रही थी, अचानक ही लगभग 200 मीटर का एक क्षेत्र था जो सड़क के साथ, वहां पर ये पत्थर गिरने लगे। किसे मालूम था कि एकाएक धरती डोलेगी और पहाड़ यूं ढहेगा? किसे मालूम था कि पहाड़ यूं ढहेगा और गिर पड़ेगा उस बस पर जिसमें 40 यात्री सवार होंगे? यात्रियों को भी कहां मालूम था कि अपने अपने सफर पर निकले यात्रियों के लिए ये सफर इतना बड़ा और इतना गहरा और दर्दनाक जख्म देने वाला होगा। एक बस थी जो 32 सीटर थी शायद, और साथ ही साथ एक ट्रक और चार गाड़ियां और 6 गाड़ियां और लगभग 40 से 60 के बीच लोग थे। चट्टानों के टूटने के बाद की तस्वीरें बहुत भयानक हैं, रूह को कपा देने वाली हैं। किन्नौर कुदरत के कहर का दूसरा नाम बनता जा रहा है। 11 अगस्त की दोपहर से ठीक पहले करीब 11:56 पर पहाड़ दरका और हाहाकार मच गया। वो देखो पत्थर, मिट्टी और मलबा अंधाधुंध ऐसे गिरा कि उसने कई जिंदगियों को अपनी चपेट में ले लिया। यात्रियों से भरी बस मलबे में दब गई, साथ ही 2 कारों पर भी कुदरत की भयानक मार पड़ी। यहाँ से जो किन्नौर की तरफ जो साइड में नुकसान हुआ है, यहाँ से विजिबल नहीं है और उधर से इस साइड में विजिबल नहीं है। ये स्ट्रेच कम से 80 मीटर के लगभग का, और रेस्क्यू टीम सीआरएफ एनडीआरएफ आईटीबीपी सारे यहाँ पहुंच चुके हैं। हिमाचल रोडवेज की ये बस किन्नौर के मूरंग से हरिद्वार जा रही थी। इससे पहले कि वो यहाँ से गुजरती, पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भर भरा कर गिरा। मूरंग से हरिद्वार जाती है, उसमें बैठा और वो ज्यूरी नहीं पहुंचा और यहीं पे अभी 2 किलोमीटर के पास हादसा हुआ है, कोई कुछ पता नहीं लग रहा है। तस्वीरें भयावह हैं और इसका अंजाम उससे भी ज्यादा खौफनाक। हम ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं कि अगर वो बस मिल जाती है, बिकॉज बस का ट्रेस फिजिकली नहीं मिल पाया है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि शायद वो बस नीचे गिर गई है खाई में। ये बस यात्रियों से पूरी तरह भरी हुई थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 40 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। यहाँ की तस्वीरें बता भी रही हैं कि कितनी भारी तबाही मची है। हादसे की खबर मिलते ही बचाव दल को मौके के लिए रवाना किया गया, एनडीआरएफ की टीम भी मदद के लिए निकली। दरअसल सरकार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को पहले ही अलर्ट पर रखा था। जानकारी के मुताबिक
200 से ज्यादा जवान राहत बचाव के काम में लगे हुए हैं। जो बेस्ट पॉसिबल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहां पर किया जा सकता है वो किया जाए। पुलिस के अधिकारियों को, स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दे दिए गए हैं ताकि वो तुरंत जो है वो कार्यवाही, एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पर रख दिया गया है। ये नेशनल हाईवे नंबर 5 है और ये इलाका चील जंगल के तौर पर जाना जाता है। इस भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया है। स्थानीय स्तर पर शुरू किए गए बचाव में बस के ड्राइवर समेत 2 लोगों को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन कई लोग अब भी दबे बताए गए हैं। किन्नौर और सिरमौर दोनों ही इलाकों में पहाड़ों के दरकने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि किन्नौर के इलाके में पहाड़ जब दरकते हैं तब मिट्टी और मलबा नहीं बड़ी बड़ी चट्टानें गिरती हैं। यही वजह है कि पहाड़ के खिसकने से यहां जबरदस्त कहर बरपता है। बस अब सब प्रार्थना कर रहे हैं कि मलबे में दबे यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया जाए, किसी भी तरह की जनहानि न हो। चंडीगढ़ में सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।